जिस छोटी सी गाय को हम पकड़ने जा रहे हैं, दिखने में तो वो बिल्कुल सीधी थी, पर थी बिल्कुल छोटा पैकेट बड़ा धमाका। कहाँ लगी हुई है इसको? लगी तो नहीं, बिच्छू बूटी में मर गए आप लोग। इसको तो खुर कटा गया। वो घास नहीं होता, वो बीच बूटी वो सारी लग गई है, उसमें चिपक गए ना आप। बुरा ये नालू है, और ये हमारे पास अपनी आंखों की इंजरी के लिए आई थी। जब आई थी तब तो इसकी आइस की हालत बहुत खराब थी, अब तो ये बिल्कुल सही है। अब तो इसकी आईज भी थोड़ी दिखने लग गई है, और इसको मैं फॉस्टर कर रही हूँ। इसकी आंख आ रही है, आ रही इसकी? एक आ रही है, दोनों आ रही है? दूसरी भी आ रही है, बट जो ये इसकी जो स्किन है ना, ये देखो दूसरी भी आ रही है। दिख रहा है तो ये ब्लैक अंदर है ना, बहुत कम आ रही है। एक्चुअली आ रही है, बट ये जो स्किन नहीं है ये जुड़ती जा रही है। देखो ना, हमने अब उसके पहले ऑइंटमेंट लगा रहे थे ना निओमाइसिन की, पर हमने अब वो चेंज कर दिया, तो हमने उसको आई ड्रॉप्स पे डाल लिया है। केटपिन और निफा। स्वीटी तो सर कब तक आ जाएगी इसकी आंख? आइस तो है इसकी ना, लेकिन आईलिड जो ज्वाइन हुई है वो सर्जरी करके अलग करनी पड़ेगी। आईलिड खाई थी मैगेट ने, आंख नहीं, ये कह सकते हैं आईलिड। तो मतलब कितने टाइम बात करेंगे सर सर्जरी में इसकी? अभी तो बहुत छोटा है, ज़्यादा जुड़ेगी तो दिक्कत नहीं होगी? दिक्कत तो होगी ना, लेकिन एक टाइम पे तो आईलिड रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ना, एनेस्थीसिया झेलने लायक एक एज हो जाए इसकी। आज 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 नानू। किसका नानू? ये तो वीडियो हटो और मसूरी कहीं की फोटो। दूसरे बैल के रेस्क्यू पे जाते हुए हमारी टीम को बड़ा ही दिलचस्प दृश्य देखने को मिला। दो बैल आपस में ही कॉम्बैट प्रैक्टिस कर रहे थे कि मानो अपना ही गौ रक्षा दल बनाने में लगे हों, जो कि ठीक भी है, क्योंकि भाई जब इंसान गौ रक्षा करता है वो तो बदनाम हो जाता है, तो यही बेहतर रहेगा ना कि बैल खुद ही अपनी रक्षा कर लें। इन सब में से राइट वाला जो चल रहा है ना, इस वाले बैल को लेके जाना है। मैं पास से आपको इसलिए नहीं दिखा रहा, अगर मैं ज़्यादा पास गया तो भागने का चांस है इसका ना। अबे मेन सड़क है ना, हाँ से आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो भागेंगे नहीं ना। बस हट। ये मारने वाला तो नहीं ना? नहीं, लग नहीं रहा था ना इसको पकड़ पाएंगे अगर ये रोड रोड में पकड़ पाएंगे तो तब भाग रहे नहीं था हमने। हां तब नहीं भागते ना। मेरे पकड़े हैं विपिन भैया, क्या कर रहे हो आप? मैं सर जूत लगा रहा हूं। किस लिए? ये लगाने हमने हॉस्पिटल में जाके, इसकी टहनी है काट के। तो ये बिना जड़ के लग जाते हैं? हाँ लग जाएगी, लफाफे लग जाती है। बस इसके हमने ये गाय बकरे के लिए छोड़ देना,
ये हमने लगा दें। आप भी आ गए? नहीं, तुम्हें ऐसा बस लग रहा है। सर हम रोड पे सेतु लगाएंगे, रोड गंदा ही हो जाएगा। ये 4 फुट का गैप छोड़ा है, इसके बीच बीच में लगाएंगे। तो जब वो बड़े हो जाएंगे तब तो रोड पे आ जाएंगे ना पत्ते उसके। हाँ। तो उनको काटते रहेंगे ना खिलाने के लिए गाय को बकरे को। अब साल में 2 बार तो घास की हमारे को कमी होती है, तो एक टाइम तो जो है वो तो हो जाएगा काम। सर्दियों में वैसे पत्ते झाड़ देता, सर्दियों में कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। अभी हाथी घास की लगाएंगे बीच बीच में सारे। जम्बी आ जा, ये बाहर आ गया, वहाँ से भाग आया यहाँ। आ जा आ जा अंदर आ जा मोटू। हाँ जी, अस्पताल देखने आया। मैं तो भाई पेड़ लगाने के बहुत हक में हूँ वैसे भी। हमने वहाँ पे 400-500 पेड़ लगा रखे हैं अभी गुफा में जब से हम आए हैं, पर इस समय कभी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे पेड़ कट रहे हैं, कभी डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ कट रहे हैं। फिर जब ऐसे ज़मीनें कहीं पे खिसक जाती हैं, फिर अखबार वाले दिखाते हैं देखो यहाँ खिसक गई, तो वो तो खिसकेंगी। पेड़ लगाने के, पेड़ लगने चाहिए। हे, तुमने स्पॉन्सर नहीं करने पेड़ ये करने? ठीक है, बस आज की जो आधी दिहाड़ी है फिर वो तुम्हारे नाम है। ठीक है, ये नेशनल सिक्योरिटी के नाम से क्यों पेड़ कट रहे हैं वो क्या? अब वो नया कानून आया है ना, पास हुआ है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके 100 किलोमीटर के दायरे में अगर रोड बननी है, रेल बननी है, कुछ भी है और जंगल कट रहा है, तो उसके लिए वन विभाग से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। नहीं भाई, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है ना वो, तो मैं भाई समझ सकता हूँ कि भाई अब विदेशी ताकतें यहाँ पे आ जाएंगी तो पेड़ों का हम क्या करेंगे, फिर तो मारे जाएंगे हम, है ना। वो तो मैं समझ सकता हूँ। चलो क्या हुआ कि भैया इस बैल को बैल गाय मैंने पहले किसी ने भैया रस्सी वगैरह बांध दी हुई थी तार वत, लोहे की तार थी ना। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट हमने किया, 2 मंथ पकड़ा हुआ था ये, उसके बाद इसको छोड़ दिया हमने। ठीक है, फिर वापसी में इसने फिर से ऐसे कर लिया। तो आपने खुद ही पकड़ा? हाँ, हमने खुद ही पकड़ा, रस्से डाल डाल के। इसका बचेगा सर? सिंह सिंह तो ठीक है, सिंह पे नहीं है ना चोट, यहाँ पे हो रही है भैया। इसके तार आप लोगों ने खोली थी? हाँ जी, जो इंजेक्शन दिए थे सुस्त हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके बाद तब खोली दी थी। इसका कलर भी चेंज हो गया, पहले ब्लैक हुआ करता था। हाँ, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। यार वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ आपको, ब्लैक से ब्राउन हो गया। हाँ, वीडियो दिखाता हूँ आपको, दिखाओ। चाचा रंग बदल सकता है कोई? बदला हुआ इसने, हमने वही देखा, चेंज हो गया इसका कलर। आप गलत बैल तो नहीं लिए? नहीं, लगी इसको है। नहीं भैया, भैया वो ही है, सेम है भैया, वो ही है। सींग देख लो, इसको पहले बहुत ज्यादा कीड़े वगैरह थे। हाँ, अभी उसके बाद इसका की ये रस्सी बांधी हुई थी हमने, तभी निकाल ली है ये, अभी भी है। हमने एक एक करके यहाँ केस लाना शुरू किया कि ओ इसको रख लेते हैं वहाँ पे, जगह तो है। और अब देखो 12-11 केस यहाँ पे है, कुल वहाँ 12 कैपेसिटी है, तो हमने अपनी कैपेसिटी डबल कर ली है। सर इस वाले बैल का रंग पहले काला हो सकता है कोई? क्या हो सकता है? काला। काला? हाँ, हाँ रख सकते हैं, मेरे कजन का नाम काला है। नाम नहीं कह रहा मैं, रंग 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 काला हो सकता है, मतलब क्या? मतलब पहले काला था, ये ब्राउन इसका रंग काला था, भी चेंज हुआ है। ना ना, गहरा होता है सर्दियों में, जैसे गहरा होता है, काला नहीं होगा सर्दियों में। यहाँ कोट बदल, अरे हमारे साथ क्या हुआ, एक बार हमने गाय ठीक करके छोड़ी, वीडियो डाला तो रंग बदल चुका है। लोग कह रहे भाई ये तो दिखाई कोई और, तुम घाव वाली कोई और थी, ठीक वाली कोई और है। ये इतना खून क्यों निकल रहा है? इसके सींग से निकल रहा है या सींग से? ऊपर ऊपर। ओके, हमारे मेडिकल स्टाफ की हिम्मत है और विक्की की, विक्की वो सब देख लेते हैं, मेरे से तो ना देखा जा रहा है। जॉन्डिस जैसे सिम्टम्स तो हैं इसमें। तो ये कांप क्यों रहा है? ये डर गया, इसकी आंखें भी देखना टेढ़ी मेढ़ी सी हो रही, पी लिया है इसको? लग रहा है, लग रहा है ज़्यादा एक्यूरेटली सैंपल के बाद। फिर बच जाता है ना तो चुची। हमारे यहाँ तो पूरा हाउस फुल है, इसीलिए अब जो भी नए केस आ रहे हैं नए वाले अस्पताल के काउशेड में जा रहे हैं। फिर भी अभी सड़कों पे 10-12 ऐसे गंदे पेंडिंग केस हैं जिन्हें आप देख भी नहीं सकते, और उनमें से सिर्फ एक को लाने की हम जगह बना रहे थे, वो भी मिनियन ने जब रिलीज़ होना था, लेकिन मिनियन ने जाने से पहले अपने पैर में चोट लगा ली और वो जगह भी हमारी मारी गई। तो भाई जितना हमसे हो पा रहा है उतना हम कर रहे हैं, और जिनकी मदद नहीं कर पा रहे फिर यही है कि उनको हम दिमाग से निकाल देते हैं तो ही काम चलता है। क्या लेके आए भैया आप लोग? इसका जो मतलब सिंग है उसमें छेद हो गया आर पार। मारा किसी ने? मारा तो नहीं है, हमने एक दो दिन इसको फिनाइल डाला था। फिनाइल डाला?
नाइल नहीं डाल दे भैया, वो बोल रहे थे लोग कि नाइल डालो, कोई ये डालो वो डालो। मत डाला करो ऐसे, वो जख्म खराब कर देती है। वैसे तो हमने कर दिया था, मतलब ब्लैक दवाई जो लगती है ना वो जख्म पे, हाई मैक्स वही लगाई थी। अच्छा, पट्टी भी करी थी पर अगले दिन क्या हुआ कि बारिश हो गई तो सारा वो हो गया, कीड़े वापसी वाइट वाइट हो गए। कहाँ से लाए आप लोग? हम चढ़ी से। मारती तो नहीं ना? ना बिल्कुल नहीं, पेन किलर लगा दिया इसको, थोड़ा पेन कम हो जाएगा। मैगेट भी काफ़ी लग रहे हैं इसमें, आज मैं पैक कर देता हूँ इसको बैंडेजेस करके पूरा। जैसे यार जो वो बोल रहे थे कि उन्होंने फिनाइल डाल दिया था, फिनाइल तो जख्म खराब करता है ना यार, मैगेट तो मर जाएंगे पर ये हुआ कि जख्म जल जाता है इससे। सुबह जिस गाय ने हमें खूब कबड्डी खिलाई थी उसने यहाँ आके भी वही हरकतें दिखाई और इसीलिए हमने उसका नाम रखा है कबड्डी। इसमें क्या हुआ है कि ब्लीडिंग भी काफ़ी हुई है तो मैगेट का भी पता नहीं लग रहा है, साफ करके देख लेते हैं, मैगेट आए पड़े हुए। वापस आएगा खुर का भी? भाई मुश्किल ही है, नहीं आ पाएगा। दर्द भी काफ़ी होगी, दर्द में भी काफ़ी है, दर्द में पेन किलर दे देते हैं हमने। जो दूसरा बैल हमने रेस्क्यू किया जिसके टेस्टिकल्स में चोट है, ये गलत कास्ट्रेशन की वजह से नहीं हुआ, शायद उसको कांटे वाली तार से थोड़ी चोट लग गई और बारिश में उसका जख्म खराब हो गया, तो यहाँ पे आके उसको थोड़ा आराम मिलेगा और वो हील होके चला जाएगा और हमने उसका नाम रखा है आराम। जो एक बछड़ा कुछ समय पहले हमने गरोह से रेस्क्यू किया था जिसके पिछले पैर में फ्रैक्चर था और पट्टी करे रहने की वजह से उसका पैर सड़ गया था, वो अब हमारे साथ नहीं रहा। डॉक्टर गुलशन के अनुसार इसके तीन कारण हो सकते हैं, पहला सेप्सिस, दूसरा जो यहाँ पे वेदर वेरिएशन हो रही है और तीसरा लैक ऑफ मूवमेंट।